हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस सेकंड ईयर सेमेस्टर थ्री या सेमेस्टर फोर में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस सेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले पैटर्न समझ लेते हैं दोस्तों। जो रेगुलर के बच्चे होंगे उनके लिए दो पार्ट होंगे क्वेश्चन पेपर के, पार्ट ए 30 नंबर का, पार्ट बी 20 नंबर का। पार्ट ए में कोई 3 क्वेश्चन करने होंगे और पार्ट बी में कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे। जो एसओएल के स्टूडेंट होंगे उनके लिए 3 पार्ट्स होंगे क्वेश्चन पेपर के, पार्ट ए में कोई 3 क्वेश्चन करने होंगे आप लोगों को जो कि 30 नंबर का होगा, और पार्ट बी और सी में आपको 2-2 क्वेश्चन करने होंगे। तो हम अब डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है पार्ट ए का है, जो भी ऑब्वियसली इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें गिवन है 5। डैश एंड डैश आर 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, कंजर्वेशन इन द नेशनल हैबिट इज कॉल्ड, और इसके अलावा थर्ड है ओजोन लेयर इन डैश प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन, डैश इज द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक, और ब्रंटलैंड कमीशन पब्लिश दियर रिपोर्ट कॉल्ड डैश इन 1987। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका ए पार्ट है 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसको हिंदी में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बी पार्ट में आपको किन्हीं 5 को एक्सप्लेन करना है, 5 नंबर में ही है ये। ईपीए है, ओपीसीडब्ल्यू है, सीआईटीईएस है, सीबीडी है, एमएबी है, और यहाँ पे एनएमईई है, आईपीसीसी है, यूएनएफसीसी है। इन 8 में से किन्हीं 5 को आपको एक्सप्लेन करना है एक एक नंबर में, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें डिफरेंशिएट करना है किन्हीं 2 पर आपको, इंसिटू कंजर्वेशन वर्सेस एक्सिटू कंजर्वेशन, और क्लाइमेट वर्सेस वेदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वर्सेस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो 5-5 मार्क्स में डिफरेंशिएट करना है आपको किन्हीं 2 पर क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया। थर्ड क्वेश्चन आता है जिसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है डिस्कस द वेज इन विच प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ हेल्प इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया, वाई इज रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल अफेक्ट बाय माइनिंग एंड डैम प्रोजेक्ट्स एंड मेजर चैलेंजेस इन इंडिया, डिस्कस योर ओपिनियन यूजिंग सुइटेबल एग्जाम्पल। इसके बाद दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। देन फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेज 10 मार्क्स का है। इन्वायरमेंटल legislation in India have proven successful in providing legal protection to the natural environment, discuss। भारत में पर्यावरण कानून प्राकृतिक पर्यावरण को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में सफल साबित हुआ है, चर्चा करें। इसके बाद दोस्तों ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पार्ट ए में, जिनमें से किन्हीं 3 का आंसर आपको देना था। पार्ट बी की शुरुआत होती है, किन्हीं 2 का आंसर देना है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फॉर द फॉलोइंग कंट्रीज, निम्नलिखित देशों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें। ये कुछ डेटा गिवन है अलग अलग कंट्रीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 2016 फर्स्ट ईयर में कितना चेंज हुआ, पॉपुलेशन वगैरह कितनी है, तो कुछ यहाँ पर डेटा गिवन है। यह है प्लॉट अ पॉपुलेशन वर्सेज एमिशन ग्राफ फॉर द कंट्रीज, पॉपुलेशन वर्सेज एमिशन ग्राफ आपको प्लॉट करना है। बी पार्ट है व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, कंपेयर द कार्बन फुटप्रिंट फॉर द फॉलोइंग कंट्रीज एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद सी पार्ट में डिस्कस द पॉसिबल इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एमिशन फॉर द कंट्रीज एंड देयर इन्वायरमेंट। तो ये 3 पार्ट हैं 10 मार्क्स के, 3+4+7, ये आपको सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, कुछ डेटा अगेन गिवन है आप लोगों के सामने, डेकेड गिवन है, मीन चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और मीन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन, ये कुछ डेटा यहाँ पे गिवन है। इस डेटा की मदद से कंपेयर द चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से कार्बन डाइऑक्साइड में क्या चेंज हुआ उसको आपको कंपेयर करना है 3 मार्क्स में। और व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑर्थोपोजेनिक एमिशन इन एग्जैक्टिंग द सिचुएशन, सजेस्ट सम मिटिगेशन मेजर टू रिड्यूस द
इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बाद हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज IUCN रेड लिस्ट, एक्सप्लेन द मेजर क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफाइंग अ स्पीशीज इन द रेड लिस्ट, नेम द कैटेगरीज इन IUCN रेड लिस्ट विथ सुइटेबल एग्जाम्पल फॉर ईच कैटेगरी। ये तीन क्वेश्चन पार्ट बी में होगा दोस्तों, जिनमें से किन्हीं दो का आंसर आपको देना था। अब रेगुलर का तो याद तक खत्म, S12 वाले हैं तो वो पार्ट सी भी करेंगे। पार्ट सी में भी आपको किन्हीं दो का आंसर देना है, इसमें है व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे क्या हैं, डिस्कस देम ईच इन ब्रीफ एंड सजेस्ट सुइटेबल मिटिगेशन मेजर फॉर थ्री ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक पर संक्षेप में चर्चा करें और उनमें से तीन के लिए उपयुक्त शमन उपाय सुझाएं। इसके बाद है ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज हैड सीवियर कंसिक्वेंसेज फॉर नेचुरल इन्वायरमेंट, डिस्कस दिस विद सुइटेबल एग्जाम्पल, माननीय जनसंख्या विस्फोट के प्राकृतिक पर्यावरण पर गंभीर परिणाम हुए हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित चर्चा करें। और कल्चरल प्रैक्टिसेस आर पावरफुल टूल टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड कुड आल्सो बी थ्रेट टू आवर इकोसिस्टम्स हेल्थ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद अ सुइटेबल एग्जांपल। इसमें यह सांस्कृतिक प्रथाएं पर्यावरण की रक्षा के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं और हमारे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिए खतरा भी हो सकती हैं, उपयुक्त उदाहरण देकर कथन की पुष्टि करें। तो इन तीन में से किन्हीं दो को आपको सॉल्व करना है पार्ट सी में। तो इस तरह का दोस्तों PYQ आया था इन्वायरमेंटल साइंसेस का, जो दिसंबर 2023 सेशन में बच्चों का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि कुछ बच्चों का पेपर सेमेस्टर थ्री में होता है और कुछ बच्चों का सेमेस्टर फोर में। तो यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देने आए थे। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।